जंगल था जिस जंगल में एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील अपने अंडे घोंसले के अंदर एक अंडे दिए हुए थे, उस अंडे के सहारे रहा करती थी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक जंगल की मुर्गी रहा करती थी, जिस मुर्गी ने भी अपने अंडे को जन्म दिया था उसके सहारे वो भी रहा करती थी। एक दिन बरगद के पेड़ के ऊपर जो चील का घोंसला था, उस घोंसले से एक अंडा मुर्गी के अंडे के आ में गिर जाता है सही सलामत। मुर्गी जैसे आती देखती है और लगता है कि अपना ही अंडा है, उसकी परवरिश करती रहती है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, उस अंडे से वही चील का बच्चा बाहर आ जाता है, और उसकी परवरिश वो मुर्गी अपना बेटा समझ के करती है। कुछ समय के बाद वो उसी तरह से जो मुर्गी के बच्चे थे उनके साथ खाना पीना घूमना, यह दिन इसकी तरह सिलसिला उसका जारी रहता है। और दोस्त एक दिन ऐसा आता है जंगल में वो अनाज खाते 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 एक बिग जंगल की ओर चला जाता है, और डीप चले जाने के बाद सभी तरह से मुर्गियों के बच्चे वो अनाज खाते रहते हैं, और उसकी नज़र चल जाती है एक चील के बच्चे के ऊपर जो आसमान में छलांग ले रहा था। उस समय वो देखता, अरे यार ये तो मेरे ही जैसे हो गए हो, ये आसमान में उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो भी उड़ने का प्रयास करता रहता है, उड़ने का प्रयास करता रहता है। उस समय उसकी माँ उसको देखती है, जो मुर्गी माँ थी परवरिश की हुई थी, वो अपने पास बुला लेती हैं। बोलते हैं, क्या हुआ, आप इतनी ऊंचाई पे क्यों जाना चाहते हैं। उसने बोलता है, मामा वो जिस तरह से उड़ रहा है मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मैं एक ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ। उस समय वो मुर्गी माँ कहती है, नहीं वो एक चील है, तू एक मुर्गी का बेटा है, तू मुर्गी है इसलिए तू इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता है। दोस्त वो भी सोचता है, क्यों ना मैं भी इस उतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता हूँगा, और उस चीज़ को छोड़ देता है, और कुछ समय बाद उसकी मौत हो चली जाती है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखना है, तो इस निर्भरता करती है आपकी सोच, आपकी परवरिश, क्या वो सोच में है जो कि आज एक सही उड़ान भरना चाहते हैं, क्या वो सोच में है आप एक सही आमदनी कमाना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्त, एक सफलता का रहस्य एक बड़ी सोच होती है। कहा जाता है, इंसान कपड़े से अमीर नहीं होगा तो भी चलेगा, मगर अपने खुद की सोच से अगर वो अमीर होता है तो ऑटोमेटिक एक दिन कपड़ों से भी और रहन सहन से भी अमीर बन जाता है। द सोच, द पावरफुल ऑफ थिंकिंग इन द वर्ल्ड द थॉट्स, दुनिया में सबसे संशक्तिशाली ताकत अगर कौन सी होंगी तो द सोच, द सोच। जी हाँ दोस्त, सोच। तो आप एक अच्छी सोच निर्माण के साथ चलते रहिए, कभी भी अपने को खुद को कमजोर मत समझिए। तो वही शख्स है जो आज कामयाबी में बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल किए हुई है, क्योंकि दोस्त उन्होंने उन सोच उन परवरिश के साथ अपने समय को बिताती रही, अपने कदमों को बढ़ाती रही। तो एक अच्छी सोच के साथ आप जरूर आगे बढ़ते रहे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होंगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद ऑल।